नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, आपका फेवरेट न्यूज शो। आज मैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी से एक सवाल इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह प्रतिभा देवी पाटिल आज राष्ट्रपति होती तब भी क्या वो उनके लिए उसी शब्द का इस्तेमाल करते जिस वजह से वो विवादों में घिरे हैं। उन्होंने कहा था राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी, ये अधीर रंजन चौधरी की भाषा थी। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में ये विवादित बयान उनका कैद हुआ। क्या वो ऐसी गंदी भाषा तब भी बोलते कि क्या वो पूरे देश की राष्ट्रपत्नी नहीं है? ये अधीर रंजन चौधरी से हम पूछना चाहते हैं कि क्या द्रौपदी मुर्मू क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं, क्योंकि बीजेपी की नेता रही हैं, इसीलिए वो उनके खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिभा देवी पाटिल के लिए जब वो 5 साल तक राष्ट्रपति रही तब तो अधीर रंजन चौधरी ने उनको कभी भी राष्ट्रपति नहीं कहा। और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, सेना के सुप्रीम कमांडर ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की एक एक महिला का अपमान किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अधीर रंजन विवाद पर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के झगड़े का पूरा किस्सा क्या है, जो सिर्फ एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद है। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस क्यों अधीर रंजन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर रही है, और आप यह भी देखेंगे कि करप्शन के केस में कैसे ममता के मंत्री की ऐश हो रही है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। एबीपी न्यूज पर ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। यह सब कुछ कल हमारे एक इंटरव्यू में मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जब उनसे बात कर रहे थे संसद भवन परिसर में, तब अधीर रंजन चौधरी ने बोला था। और हमको यह साफ तौर पर लगा कि यह जानबूझकर बोला गया है। मैं आपको बताऊं, अंकित गुप्ता ने जब अधीर रंजन चौधरी को टोका कि आप एक राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, ये बेहद असंसदीय है, कृपया सही भाषा का इस्तेमाल करें, आप ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति की मर्यादा को हंसी में उड़ा रहे थे। आपको यह भी बता दूं कि राष्ट्रपत्नी बोलने के पहले इसी इंटरव्यू के अपने पहले के दो वक्तव्य में, दो लाइनों में, वो दो बार राष्ट्रपति बोले थे, तब राष्ट्रपत्नी नहीं बोले थे, और वो ऐसा लगा कि जानबूझकर राष्ट्रपति बोल रहे हैं। क्या वो भूल गए थे कि उनकी पार्टी की अध्यक्ष स्वयं एक महिला है? क्या वो ये भूल गए थे कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तौर पर कांग्रेस पार्टी नहीं दी थी? क्या वो ये भी भूल गए थे कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने प्रतिभा देवी पाटिल को ही बनवाया था, खुद अधीर रंजन की पार्टी ने, जो ये बोलती रही कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, महिलाओं को बहुत मौके देती है? तो फिर अधीर रंजन चौधरी से हम ये क्यों ना पूछें कि आखिरकार इस अपमान करने की वजह कहीं जानबूझ के तो नहीं थी? इसीलिए हमारा सवाल इसी मुद्दे से आज जुड़ा है, जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपसे पूछा है। राष्ट्रपति को अपमानित करने वाले अधीर रंजन के साथ क्या सलूक होना चाहिए? 3 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है कि अब वो संसद में आकर माफी मांगे। ऑप्शन बी है कि जनता के बीच में जाएं और तमाम महिलाओं से माफी मांगे। और ऑप्शन सी है, खेद जता दिया है उन्होंने तो क्या मामले को खत्म मान लिया जाए, क्योंकि बार बार आज दिन भर वो खेद की बात करते रहे। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABPNews पर जाकर अपने जवाब जरूर भेजिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे आपको दिखाएंगे हम। सवाल आपके सामने फिर दोहरा दूं, राष्ट्रपति को अपमानित करने वाले अधीर रंजन के साथ अब क्या सलूक होना चाहिए? माननीय सांसद, माननीय कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लगा कि उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया और बात आई गई हो गई, लेकिन अधीर की जुबान से निकला राष्ट्रपति का अपमान सीधे देश में नश्तर की तरह हम सबके सीने में चुभा है, सरकार को भी चुभ गया है।
बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।